हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो चीज़ों के प्राइस हमेशा 9 से ही ख़त्म क्यों होते हैं, जैसे 199, 899, 999? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आप किसी नदी, लेक या समुद्र में स्विमिंग कर रहे हो और एक मगरमच्छ आप पर आके हमला कर दे तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस जगह पर ऐसा खतरा होगा हम वहाँ पर जाएंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कभी भी बाय चांस आपको पता तो होना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई महंगाई के कारण कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ा रही है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का दाम नहीं बढ़ा रही। तो ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट का दाम क्यों नहीं बढ़ा रही है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो अब बात करते हैं कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो ज्यादातर चीजों के प्राइस 9 से ही खत्म क्यों होते हैं, जैसे टी शर्ट 399, पैंट 799। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इंसानों को आदत है लेफ्ट से राइट पढ़ने की। लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो अपनी पहली नजर प्राइस के फर्स्ट डिजिट पर रखते हैं। तो प्राइस अगर 799 लिखा होगा तो लोगों को लगेगा कि चीज 700 रुपए के आसपास है, लेकिन एक्चुअल प्राइस उस चीज का 800 रुपए का होता है। इस चीज को वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुके हैं। 2012 में स्टॉक मार्केट की एक रिसर्च के अनुसार जिन स्टॉक्स का प्राइस राउंड ऑफ नंबर पर होता है, जैसे 100, 500, 1000, उन स्टॉक्स को लोग कम खरीदते हैं, लेकिन जिन स्टॉक्स का प्राइस एक नंबर से कम होता है, जैसे 199, 599, उन स्टॉक्स को लोग ज्यादा खरीदते हैं। दोस्तों, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से होता है। 9 से खत्म होने वाली चीजों को लोग अच्छा मानते हैं एज कम्पेयर टू जो चीजें राउंड ऑफ नंबर से खत्म होती है। चलिए तो अब बात करती हैं, अगर आप किसी नदी, लेक और समुद्र में स्विमिंग कर रहे हो और एक मगरमच्छ अचानक से आप पर हमला कर देता है तो आप क्या करोगे? दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर मगरमच्छ ने आपके किसी भी बॉडी पार्ट, हाथ पैर को मुंह में लेकर अपना जबड़ा बंद कर लिया है तो आपके बचने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि मगरमच्छ भूखा होगा और उसको अच्छी तरह से पता है कि अपने शिकार को कैसे मारना है। मगरमच्छ आपको पानी के अंदर डुबा के मार देगा, इसलिए आप पानी के करीब बिल्कुल भी मत जाइए जहां पर मगरमच्छ होने का खतरा हो। लेकिन कभी बाय चांस अगर मगरमच्छ आप पर हमला कर देता है तो आप पानी से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करें, कोई भी सडन मूवमेंट एकदम ना करें। दोस्तों, अगर मगरमच्छ ने आपके किसी भी बॉडी पार्ट को मुंह में लेकर अपना जबड़ा बंद कर लिया है तो आप ट्राई करिए कि आप मगरमच्छ की आंखों पर हमला करें। अपनी पूरी जान से आप उसकी आंखों पर हमला करें, ऐसा करने से मगरमच्छ आपको छोड़ भी सकता है। चलिए तो अब बात करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई और इन्फ्लेशन के कारण सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा रही है, लेकिन वहीं कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो अपने प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ा रही है। जैसे पार्ले जी बिस्किट का पैकेट पहले 5 रुपए का बिकता था और आज भी 5 ही रुपए का बिकता है। लेज चिप्स का पैकेट पहले 10 रुपए का मिलता था और आज भी 10 रुपए का ही मिलता है। दोस्तों, ये कंपनीज असल में अपने प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ा रही है, बल्कि प्रोडक्ट का साइज और मटेरियल कम कर देती है। इस टेक्निक को इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे पहले पार्ले जी का बिस्किट बड़ा आता था, लेकिन आज उसका साइज बहुत ही छोटा हो गया है। पहले लेज के पैकेट में ज्यादा चिप्स आते थे, लेकिन आज हवा ज्यादा आती है। और दोस्तों, कुछ कंपनीज ना प्रोडक्ट का दाम कम करती है और ना ही उसका साइज कम करती है, बल्कि वो कंपनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम कर देती है। जैसे आप पहले एप्पल का या फिर किसी और ब्रांड का भी फोन लेते तो फोन के साथ चार्जर और ईयरफोन्स मिलते थे, लेकिन आज के दिन एप्पल के फोन के साथ कुछ भी नहीं मिलता है। इस टेक्निक को स्किम्पलेशन कहा जाता है। इस टेक्निक की वजह से कंपनीज को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।